ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, यानी कि दिसंबर मंथ। जी हाँ, अब से लेकर दिसंबर मंथ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं टॉरस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। जी हाँ, ओके, भगवान कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो कि विष्णु भगवान की अवतार हैं। सो स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ये बहुत एक अच्छी बात है कि शायद हो सकता है कि कभी कभी इंसान को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, भगवान कितनी प्रॉब्लम से आपको बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ये आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जो आपके सामने हो रहा है सिर्फ वही देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भगवान परमात्मा जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको कई चीज़ों से यू नो सेव करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके लिए आपको थैंक्स ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, डिटर्मिनेशन इन कॉम्बेटिंग ईविल, इसका मतलब ईविल आई से भगवान आपको बचा रहे हैं। कोई भी फॉल्स एलिगेशन या आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें आपको वो बचा रहे हैं, आपको हेल्प मिलेगी। एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एज ऑफ काली, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका बुरा चाह रहा है या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो अगेन उसमें से भी भगवान आपको हिम्मत दे रहे हैं और आपको बचा रहे हैं। तो दीज आर द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल। आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ठीक है, कल्कि भगवान जो कि विष्णु भगवान की अवतार है, ठीक है, तो आपको विष्णु भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। ठीक है, ओम नमो नारायण। चलिए अब हम बात करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर ऑल द टॉरस पीपल। तो सिचुएशन अभी क्या है, सो हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। भाई देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि टॉरस यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ठीक है, और हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ अपने टर्म्स पे आप कुछ करना चाह रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट यू नो लाइक डायरेक्टली आप एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं, सामने वाले को दिखा नहीं रहे हैं, बट इनडायरेक्टली यू आर मैनिफेस्टिंग। ऐसा हो सकता है, क्या ये है पॉसिबल? ऑफकोर्स यू नो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीबडी, बट अंदर से डीप डाउन मैनिफेस्टिंग। ठीक है, तो वो चीज़ हमको दिखाई दे रही है। चलिए, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आई थिंक यस, इट्स अबाउट हाइडिंग। मुझे ऐसा लगता है कोल्ड एनर्जी है आपकी तरफ से, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, हाइड कर रहे हैं कुछ, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। ठीक है, और मे बी कि आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, हाइड क्या कर रहे हैं, यहाँ लग रहा है इट्स अबाउट हाइडिंग इमोशंस। ठीक है, या हो सकता है कि आपका लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइक यू वॉन्ट टू विन दिस, आप चाहते हैं जीतना। ओके, और या कॉम्पिटिशन है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि देर इज़ समबडी एल्स, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा कुछ चल रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक समबडी यू नो फार अवे फ्रॉम यू, एंड यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन के थ्रू, पर्सन की तरफ सॉरी, एंड इस पर्सन की लाइक दे आर मूविंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि समबडी इज़ मूविंग ऑन, या हो सकता है समबडी इज़ मैरिड, कोई मैरिड है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस पर्सन से, ये पर्सन क्या चाहते हैं। आई थिंक दे आर लाइक जैसे होपलेस, कोई जैसे गिव अप कर देता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, ये वाली एनर्जी। चलिए और दे रहे हैं, हाँ कुछ एंड हो चुका है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म, बंद ख़त्म, आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, बट येस ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ कम्युनिकेशन बंद हो गई है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। अब आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे,
सो यहाँ पे मेरे पास अट्रैक्शन, न्यू लव एंड सोलमेट का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब ये किसी के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं. अट्रैक्शन, न्यू लव एंड अ सोलमेट, ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है टॉरस के लिए. मैनिफेस्टिंग, ओके, तो कुछ ख़त्म हो चुका है, नए सिरे से कुछ स्टार्टअप होने की बहुत बहुत चांसेस हैं. सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, यू नो, लाइक कुछ पास्ट में से है तो आई डोंट नो, बट कॉलिंग इन योर सोलमेट, कॉलिंग सोलमेट, ओके, ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. तो ये चीज़ हो सकती है और आई थिंक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में टॉरस की लाइफ में अ न्यू लव, अ सोलमेट कनेक्शन आ सकता है. ठीक है, फाइनली, ओके. सो फिर आई डोंट नो व्हाई टॉरस, आप क्या किसी के साथ रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी है और आप डिसाइडेड नहीं है, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या आप स्टक फील कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? ठीक है, या स्टिल यू आर वेटिंग, वेटिंग पेशेंटली, पेशेंस रखी हुई है, वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, किस चीज़ का वेट है आपको? या बहुत चीज़ें स्लो चल रही हैं, इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया था बट स्टिल आप वेट कर रहे हैं, या कोई मैरिड है, ऐसी कोई सिचुएशन है, ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है. बट अदरवाइज हमारे पास यहाँ न्यू लव का कार्ड आ रहा है. एंड कुछ लोग, हो सकता है कि बाकी लोग अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा या अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. व्हाट अबाउट जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट पार्टनरशिप्स, ओके, ओके. सो एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है, आपके लव में एक स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है इन द कमिंग टाइम. हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, और या हो सकता है कि कुछ यू नो बात बन जाए, कोई बिगड़ी हुई बात जो है यू नो वो बन जाए. जो लोग भी मैरिड है, कुछ इश्यूज होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग, ओके, और जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए स्पेशली ये है कि शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो. और यहाँ पे हमारे पास कुछ यू नो सेवन ऑफ कप्स का मतलब होता है कि वॉन्डरिंग एनर्जी, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है. तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए, लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस आने वाले समय में, अब से लेके दिसंबर मंथ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पर्सनल रिचेस, ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, और पर्सनली आप यू नो कुछ अच्छा हो सकता है. देन वी आर गेटिंग सनशाइन, द सन इज़ शाइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस ग्रोथ, कम्युनिकेशंस एंड रिलेशनशिप, ओके. अगेन यहाँ पे सनशाइन का कार्ड आया है, इसका मतलब दो चीज़ें हैं कि या तो अच्छे, यहाँ पे भी हमारे पास सन का कार्ड है, दैट मीन्स अ पॉजिटिव आउटकम, कोई पॉजिटिव आउटकम हो सकता है टॉरस के लिए, ठीक है, या हो सकता है कि बात बन सकती है, बिजनेस ग्रो कर सकता है, और कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है. एंड री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, तो इन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे हमारे पास ना नई शुरुआत दिखाई दे रही है. तो किसी भी वे में वो रिलेट कर सकती है, नई शुरुआत हो सकती है. इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के आप नई शुरुआत कर रहे हैं, अ न्यू बिगनिंग, ठीक है. हर किसी की स्टोरी अपनी है, तो एक नई शुरुआत हो रही है इन योर लाइफ, ओके, गुड थिंग. सोलमेट का कार्ड आ रहा है, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब इज ऑन द कार्ड, ठीक है. एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई तो चेंज आ रहा है. यू आर रेस्टलेस, ठीक है, आप अभी रेस्टलेस हैं, आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड इन नीड ऑफ अ चेंज, एंड ऑफकोर्स आपको वो चेंज आप चाहते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ कमिंग योर वे. आप चेंज चाह रहे हैं और वो चेंज आने वाला है, तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, ओके, और बिलीव कीजिए. सो डेफिनेटली अ चेंज इज़ कमिंग, ठीक है, पॉजिटिव वर्क आउटकम्स. तो इसका मतलब ये है कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स. आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, ठीक है. एंड अ मेजर परचेज ऑल्सो, कुछ लोग प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या कुछ
इन्वेस्टमेंट हो सकती है और एनीथिंग लाइक दैट। तो एंजल यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप अपना पॉजिटिव आप काम करते जाइए, ठीक है, एफर्ट्स पुट करते जाइए, चाहे वो मैरिज को लेके हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी लाइफ तो बदलने वाली है, चेंजेस तो आने वाले ही हैं। तो टॉरस, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग फॉर यू। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि स्पेशली करियर कैसा रहेगा फॉर ऑल द टॉरस। सो चेंज तो एंजल्स बता ही चुके हैं, ठीक है, एंजल्स ने आपको बताया है कि देर इज़ अ चेंज इन करियर, फाइनेंस, जॉब, ठीक है, और इवन यू कैन बाय प्रॉपर्टी और एनीथिंग इन इन्वेस्टमेंट। सो टॉरस का जो करियर है, न्यू अपॉर्चुनिटी, रिकग्निशन दिखाई दे रही है, ठीक है, बट जो रिकग्निशन होती है ना, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो आपके दुश्मन भी बहुत होते हैं जो जेलस करते हैं और खुश नहीं होते हैं। तो नॉट टू वरी, एंजल्स कहना चाहते हैं घबराइए मत, उसमें भी पेशेंस रखिए, ओके, घबराइए मत। क्यों? क्योंकि एंजल्स आर वॉचिंग, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप हार तो नहीं मान रहे और हिम्मत कर रहे हैं, ठीक है। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, ऑफ कोर्स, करियर में कुछ छोटी मोटी दिक्कत इन द सेंस इट्स अबाउट, ओ सी क्लियर मैसेज, जेलसी, somebody इज जेलस, somebody इज लाइक नॉट हैप्पी, आपसे कोई हैप्पी नहीं है। विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, पास्ट में नहीं रहना है, फ्यूचर का देखिए। यहाँ एक स्पेशल मैसेज उनके लिए भी है जो रिलेशनशिप सेक्टर में कि पास्ट में जो भी हो गया उसको भूल जाइए और आगे की बात कीजिए, यू नो, लाइक अपने पार्टनर के साथ भी ऑलवेज यू शुड यू नो लाइक फ्यूचर की बात कीजिए। और हीट एडवाइस फ्रॉम एन एल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। तो कोई आपको हो सकता है आपसे कोई उम्र में कोई बड़ा हो, लाइक कोई आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, आपको हेल्प कर सकता है, तो आपको सुनना चाहिए। कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं बातों को, ठीक है, तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो शायद हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो। सो या दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर यू। तो गाइडेंस क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो करियर वाइज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम पीपल, टॉक्सिक पीपल। और गाइडेंस ये है कि जो आपका ड्रीम है वो पूरा होगा, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग, कंट्रोल पीपल, ठीक है, आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपने पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, ठीक है, बहुत जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। सो यू कांट कंट्रोल, बट यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, और एंजल्स अभी सिर्फ यही कहना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर शादी से रिलेटेड कुछ बात है, अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बात है, तो आई थिंक यू शुड यू नो एटलीस्ट यू नो व्हाट वी से दैट कि कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आप चिंता में मत बैठे रहें, ठीक है, और सेल्फ वर्क, सेल्फ यू नो यू हैव टू लाइक जहाँ हैं आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, ठीक है, चेंज योर सेल्फ, एंजल्स कहना चाहते हैं, या नया नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। अब वो नए रिलेशनशिप को लेके हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेके हो, बट बदलना तो पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।